हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को साउंड्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स बताने जा रहा हूं कि विभिन्न तरह के जो जानवर होते हैं या फिर पक्षी होते हैं तो उनके आवाज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हम लोग इसे ट्रांसलेशन के माध्यम से सीखेंगे, तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगी। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप लोगों को एक खास चीज बताने जा रहा हूं। जी हां, आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि बर्ड्स, एनिमल्स और जो अलग अलग वस्तुएं होती है उनकी आवाजों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है, आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यदि आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो लेसन 1 से जरूर देखेंगे। आज का पहला सेंटेंस है, कोयल कूकती है। कोयल का इंग्लिश होता है कक्कू। अब इसके पहले द लगेगा या नहीं, तो कक्कू कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। और कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर में रहेगा तो द लगता है, इसलिए यहां पर द यूज होगा। उसी तरह यहां पर कौवा है, गधा है, तो ये सभी कॉमन नाउन है और सिंगुलर नंबर में है, इसलिए द से शुरू करेंगे। और वर्ब के साथ एस या ईएस भी एड होगा क्योंकि सभी सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में रहे तो वर्ब में एस या ईएस एड करना पड़ता है। इसलिए यहां पर लिखेंगे द कक्कू, और कूकना का होता है कू, और एस इसमें एड कर देंगे। द कक्कू कूज, कौवा काव काव करता है तो यहां पर होगा द क्रो, और काव काव करना का काव होता है सी ए डब्ल्यू, और इसमें भी एस एड कर देंगे द क्रो कॉज। नेक्स्ट सेंटेंस है, गधा रेंगता है, तो यहां पर हो जाएगा द एस ब्रेज। भालू गुर्राता है द बियर ग्राउल्स। मधुमक्खी भनभनाती है द बी, और भनभनाना का होता है हम, और इसमें एस एड कर देंगे द बी हम्स। मक्खी भनभनाती है, मक्खी का इंग्लिश होता है फ्लाई, द फ्लाई बजेज। बजमिस भी होता है भिनभिनाना, और इसमें ई एस एड कर देंगे। बिल्ली म्याओ म्याओ करती है द कैट म्यूज। गाय डकारती है द कॉ, यहां पर आप मूज भी यूज कर सकते हैं या फिर लॉज। सियार हुआ हुआ करता है द जैकल हाउल्स। बकरी मेमियाती है द गोट ब्लिट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, हाथी चिंघाड़ता है द एलिफेंट ट्रम्पेट्स। शेर दहाड़ता है द लॉयन रोर्स। मेढक टटराता है द फ्रॉग क्रोक्स। कुत्ता भौंकता है द डॉग बार्क्स। सांप फुफकारता है द स्नेक हिसेस। भंवरा गुनगुनाता है द ब्लैक बी हम्स। मुर्गा बांग देता है द कोक क्रोज। देखिए, क्रो मीन्स कौवा भी होता है और क्रो एज ए वर्ब भी यूज होता है, क्रो मीन्स वांग देना भी होता है, द कोक क्रोज। घोड़ा हिनहिनाता है द हॉर्स नेज। पक्षी चहचहाते हैं
The bird chirps. घड़ी टिक टिक करती है. The clock ticks. जूता चरमराता है. The shoe creaks. बादल कड़कता है. The cloud rumbles. ठनका ठनकता है. The lightning thunders. वह बुदबुदाती है. She murmurs. वह सीटी बजाता है. He whistles. बच्चा तुतलाता है. The child stammers. रोगी आहें भरता है. The patient sighs. वह सिसकती है. She sobs. वह कानाफूसी करता है. He whispers. उसके दांत कटकटाते हैं. His teeth. और यहाँ teeth एक से अधिक है इसलिए सिर्फ clatter लिखेंगे, s यूज नहीं करेंगे. His teeth clatter. वह बड़बड़ाता है. He chatters. वह लड़खड़ाती है. She staggers. वह थरथराता है. He trembles. पानी भंवर काटता है. The water swirls. हवा सनसनाती है. The air swishes. आवाज गूंजती है. The sound echoes. गहने खनखनाते हैं. The jewelry tinkles. सिक्का झनझनाता है. The coin jingles. बच्चा चिल्लाता है. The child shouts. बारिश पटपट करती है. The rain patters. उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा. यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा. ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे. एंजॉय योर सेल्फ.